सर्टोली सेल्स से याद है, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो सर्टोली सेल्स थे, कॉलमनर सेल्स होती हैं, और ये कॉलमनर सेल्स सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को या फिर स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। एक्चुअली उस सर्टोली सेल में स्पर्म एम्बेडेड रहता है और अपना नरिशमेंट गेन कर रहा होता है, और वहां से उसको जब भी बाहर आना होता है तो वो सर्टोली सेल को छोड़ के बाहर आता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ये पॉइंट नोट कर लो। उसके बाद आ जाओ मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, इसमें गैमेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल की बात करनी है कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। देखो लिखना है आपको साथ में ही है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का एज का हमने जिक्र कर दिया था पहले ही, है ना। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है हार्मोन का, दैट इज टर्म्ड एज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। आपको ये हार्मोन का पहले नाम लिखवा दिया था, GnRH, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई हार्मोन का है स्पर्म फॉर्मेशन में या स्पर्मेटोजेनेसिस में, वो GnRH का है, जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है। कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। तो पहले तो प्यूबर्टी एज पर जब पहुंचते हैं तो हाइपोथैलेमस इस हार्मोन का सिक्रीशन शुरू करता है, और फिर आगे जो चेंजेस हैं वो होते हैं। लिखो, GnRH हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, और ये हार्मोन काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। तो ये इंपैक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड का वो भी कौन सा लोब? पिट्यूटरी के दो लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। कौन सा लोब? एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये इंपैक्ट करता है। एक्चुअली एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन के सिंथेसिस एंड सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। कितने हार्मोन? दो हार्मोन। ये कौन सिक्रीट करा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने GnRH। हाइपोथैलेमस दो टाइप का हार्मोन सिक्रीट करता है, एक इनहिबिटिंग, एक रिलीजिंग। रिलीजिंग हार्मोन जब भी सिक्रीट होता है तो मतलब उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा पिट्यूटरी पर, पिट्यूटरी को वो स्टिमुलेट कराएगा। और इनहिबिटिंग हार्मोन का काम होता है कि पिट्यूटरी को सप्रेस करना। क्या करना? पिट्यूटरी को सप्रेस करना। हाइपोथैलेमस सिर्फ पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करता है, मास्टर ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है बाय द टू हार्मोन्स। वन इज द एक्चुअली बाय द टू सेट ऑफ हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कई होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन कई होते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलीजिंग हार्मोन है, जैसा कि यहाँ पे आप वर्ड नाम से ही देख रहे हो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन शुरू करवाता है, सिंथेसिस शुरू करवाता है दो हार्मोन का, एक का नाम है LH, दूसरे का नाम है FSH। LH और FSH का क्या रोल है, ये समझ आ जाए तो बात खत्म है। LH काम करता है लीडिंग सेल्स के ऊपर। कौन सी सेल्स के ऊपर? लीडिंग सेल्स याद है? लीडिंग सेल्स क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो सेल्स होती हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड लीडिंग सेल्स, या फिर उसका दूसरा नाम था इंटरस्टीशियल सेल। इन सेल्स के ऊपर ये काम करते हैं, मींस इन सेल्स को ये स्टिमुलेट करते हैं फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। किसको सिक्रीट कराने के लिए स्टिमुलेट करता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन में से एक नाम आपने लिखा था टेस्टोस्टेरोन का, लिखा था, याद आ रहा है? एंड्रोजेंस कई हैं, बट उसमें से एक नाम आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। ये स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होते हैं, है ना। तो ये लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करा किसकी सिंथेसिस के लिए? एंड्रोजेंस की सिंथेसिस के लिए। और एंड्रोजन जो होता है वो दो काम करता है, इसके दो रोल हैं। एंड्रोजन देखो, जब प्यूबर्टी एज पे आओगे तब GnRH सिक्रीट होगा, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, LH एंड FSH सिक्रीट होगा। LH का सिक्रीशन मतलब लीडिंग सेल्स पर काम होगा, लीडिंग सेल सिक्रीट करेगा एंड्रोजेंस को। तब प्यूबर्टी के बाद आपने डेवलपमेंट शुरू होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उसके बाद ही शुरू होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट एंड्रोजन कराता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, या हम कहें इट ऑल्सो स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस।
दो काम समझ आ गए। उसके बाद FSH दूसरा हार्मोन, ये LH का काम हो गया, LH लेडिंग सेल्स के ऊपर, लेडिंग सेल्स किस क्या सिक्रीट करेगा, एंड्रोजन, एंड्रोजन का दो रोल, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH काम करेगा सर्टोली सेल्स के ऊपर। अब सर्टोली सेल आपको याद है, सर्टोली सेल पक्का याद बताया ना, वो अब इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल की बात हो रही है। एबीपी की मदद से ये जो इस टेस्टोस्टेरोन है, एबीपी याद आ रहा है, जो सर्टोली सेल का ही सिक्रीशन है, सर्टोली सेल का ही सिक्रीशन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड्रोजेंस को इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल लाने में मदद करता है। यहां देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, लेडिंग सेल्स यहां का ही होगा, है ना। अब ये एंड्रोजन सिक्रीट करेगा, ठीक है, एबीपी यहां सिक्रीट होगा इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एबीपी हेल्प करता है इस एंड्रोजन को यहां इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल में लाने के लिए। और इसके अंदर होगा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल कहां होगा, इसके अंदर होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर होगा। और FSH काम करता है किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स के ऊपर, एंड सर्टोली सेल्स को, ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट कराता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दो काम हो गए, FSH का काम सिर्फ है स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराना, और LH का काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराना बाय द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, है ना, एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। इतनी बात है। अब इधर देखो, यहां इधर इस अभी स्टेटमेंट छोड़ दो, ये इस पे आ जाओ, ये समझ आ गया तो बात खत्म। पूरा एक साथ रेगुलेशन है, जो अभी तक हमने बात किया है वही यहां पे आपको समझना है। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है GnRH, किस पर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिक्रीट करता है, LH जिसका नाम दूसरा भी है ICSH, इंटरलेडिंग सेल्स के ऊपर LH काम करेगा और FSH काम करेगा सर्टोली सेल। जिसको लेडिंग सेल और सर्टोली सेल में प्रॉब्लम है उसको समझ नहीं आएगा, किसी को है तो बता दो। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच में इंटर या बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल है लेडिंग सेल, और इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल है सर्टोली। दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर में यही बातें हुई थी। लेडिंग सेल सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक एंड्रोजन है, एक्चुअली ये लेडिंग सेल सिक्रीट करता है एंड्रोजन को, और ये काम करता है बॉडी ऑर्गन्स पर, मतलब बोले तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जैसे जब आप प्यूबर्टी पे आते हो तो जो अगर मेल बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, फेशियल हेयर, जेनाइटल हेयर, मस्कुलेचर में चेंजेस होना, आवाज में चेंजेस होना, तो ये कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। बात समझ आई। ऐसे ही दूसरा सर्टोली सेल FSH जो है ये सर्टोली सेल पे काम करता है, सर्टोली सेल एबीपी सिक्रीट करता है, ठीक है। अब एबीपी से ये टेस्टोस्टेरोन बाइंड होके सेमिनिफेरस ट्यूबुल में जाता है, एंड देखो क्या लिखा है, टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल और स्पर्मेटोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है। क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये प्रमोट करता है। ये जो हार्मोनल रेगुलेशन है बॉडी में, अब एक टर्म यूज कर रहे हैं, हार्मोनल जो रेगुलेशन है ये फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, देखो इधर से आपको दो चीजें आपको इधर दिख रही हैं। बॉडी में जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, एक्सेस लेवल होता है, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इन दोनों ग्लैंड्स के ऊपर, नेगेटिवली कंट्रोल करता है, मतलब इनके हाइपोथैलेमस के GnRH के सिक्रीशन को कम करा देता है। तो मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी पर भी असर कम होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर असर कम मतलब LH और FSH का सिक्रीशन कम, तो आगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्लो। पहली बात समझ आ गई, ये नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है। बनाया इस टेस्टोस्टेरोन को तो किसने, इसी ने, बट उसी के सिक्रीशन को ये कम करता है, तो नेगेटिव हुआ, ठीक है। दूसरा
ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे हो जाता है, मींस एक्सेसिव स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे हो जाता है, तो एक हार्मोन सिक्रीट करता था सर्टोलिसेल, अगर आपको याद हो, इनहिबिन। दूसरा एक और नाम था एंटीमुलेरिन, वो भी अभी आगे बताऊंगा। इनहिबिन हार्मोन ये भी नेगेटिव फीडबैक डालता है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। मतलब क्या हुआ, दिमाग में ये हमेशा नहीं बना के रखना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा एक रेट से चले ही जा रहा है। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्म बन रहे हैं, हमेशा बन रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है, वो स्टोर होएंगे, है ना। लेकिन नहीं अगर यूज हो रहे हैं तो क्या होगा, तो ये होगा, नेगेटिव फीडबैक पड़ता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, मतलब बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है वो यूज नहीं होगा, वो स्टोर रहेगा। टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन भी हम इसको बोलेंगे, इसका रोल क्या है, वो होता है बॉडी में, हेडिंग बना लो, रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कौन करता है, लेडिंग सेल। ये इसेंशियल क्यों है, देखना, पहला स्पर्म प्रोडक्शन ठीक से चल सके, इसके लिए जरूरी है। दूसरा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपका ठीक ठीक डेवलप हो जाए, इसके लिए भी जरूरी है। इट ऑल्सो गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, इट्स एक्सेस कंसेंट्रेशन टू सप्रेस GnRH एंड LH, मींस स्पर्मेटोजेनेसिस को स्लो डाउन कराने के लिए भी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इट इज सिक्रीटेड इन फीटल स्टेज, फीटल स्टेज में भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है बॉडी में, एज इन एज लो एज 30 नैनोग्राम पर ml प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, ब्लड के प्लाज्मा में इनका कंसेंट्रेशन, आप जब इन्फेंट होते हो या फिर बिफोर प्यूबर्टी होते हो तो इतना टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है, दैट कॉजेज डिसेंट ऑफ टेस्टिस इन लास्ट ट्राइमेस्टर इन ऑफ इंट्रा यूटराइन लाइफ। अगर अब कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसका हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, जैसे थायराइड के केस में रहता है, तो उसके फीटस का भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, तो उनके केसेस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टेस्टिस अनडिसेंडेंट रह जाए, क्योंकि इतना टेस्टोस्टेरोन उस फीटस के ब्लड के प्लाज्मा में इससे नीचे रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस वैल्यूज 30 नैनोग्राम पर ml ऑफ प्लाज्मा से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा तब होता है जब आप प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हो, ठीक है, उससे कम कम रहता है ब्लड में, तब भी टेस्टोस्टेरोन, इवन फीमेल की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन है बट बहुत कम रहता है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन इतना जरूरी है किसके लिए, डिसेंडेंसी ऑफ टेस्टिस के लिए, अगर नहीं होगा तो टेस्टिस तो अनडिसेंडेंट रह गया, तो फिर वो कराते रहो क्रिप्टोचोरिडिज्म, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल जो बोले, मुझे लगता है सभी लड़कों के दिमाग में होता होगा कि कितना टाइम लगता है स्पर्म का फॉर्मेशन, तो आपके सामने है, इसको याद रखो, 65 टू 74 डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट साइकिल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग। वो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन में इतने दिन लगते हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और हाँ लेकिन इंपॉर्टेंट है, देखो इधर, जब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम स्पर्म की बात करते हैं तो इसके हम पूरे स्पर्म को तीन हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं, ये वाला हिस्सा इसका हेड कहा जाता है, इस वाले पोर्शन को मिडिल पीस कहते हैं, इसके बाद वाले हिस्से को टेल कहा जाता है, इतना ये पूरा टेल है, ठीक है। क्या क्या, हेड, मिडिल पीस, ये किसका कन्वर्जन है ये ध्यान रखना, जो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, जो ओवल शेप हैं, ओवल शेप के सेल्स होते हैं, वही डिफरेंशिएट होकर स्पर्म बनाते हैं, स्पर्मेटोजोवा भी इनको हम कहते हैं। ये एक सेल है, एक क्या है, सेल है, बस इनके सेल का जो शेप है वो चेंज हो चुका है, कुछ एडोप्टेशंस आ गए हैं, उन्हीं एडोप्टेशंस की बात करनी है। जैसे हेड के पास, हेड वाले रीजन में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, क्या बोलेंगे, एक्रोसोम।
इस सेल का जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, जितना भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कंटेंट होता है, लाइसोसोम होता है, वो सारा का सारा आके इधर इकट्ठा हो जाता है। किस वाले रीजन में? एक्रोसोम। ठीक है, जो ये हेड का ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला, ये न्यूक्लियस है। सेल है तो न्यूक्लियस होगा भी, हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा? हैप्लोइड न्यूक्लियस होगा। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कंटेंट कहाँ आ गया? एक्रोसोम वाले रीजन पे। उसके बाद न्यूक्लियस है, फिर ये मिडिल पीस जो है, मिडिल पीस वाले रीजन में यहां पे कुछ आपको एक वर्ड दिखेगा, नेबनकर्न सीथ और रिंग ऑफ सेंट्रियोल। हाँ, एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया है ये, कुछ सीथ का स्ट्रक्चर अभी हम बात करेंगे, और ये एक सेंट्रियोल, क्योंकि एनिमल सेल है ये। कैसा सेल है? एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल तो होगा ही होगा। तो सेंट्रियोल इस फॉर्म में कहां होता है? मिडिल पीस के बेस पर। ठीक है, और इस वाले हिस्से में जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो आके पूरा कंसेंट्रेटेड, सारा माइटोकॉन्ड्रिया इस मिडिल पीस वाले रीजन में होता है। अभी ये दो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है नेबनकर्न सीथ के बारे में बात करेंगे आगे। एंड लास्ट वन इज द टेल। लास्ट कौन सा स्ट्रक्चर है? टेल। ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, याद है? अगर सेल डिवीजन तो याद हो गई, माइक्रोटिब्यूल एंड स्पिंडल फाइबर ये टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और ये टेल वाले रीजन को एनर्जी सप्लाई करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ दिस टेल स्पर्म कैन मूव इन देयर मीडियम, अपने मीडियम में ये उस टेल के वाइब्रेशन की वजह से मूव कर पाता है। ठीक है, एक एक पार्ट को देखो। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब एक और स्ट्रक्चर यहां पे ऐड करना होगा, ये नेक वाला, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो हेड और मिडिल पीस के बीच में जो कॉन्स्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं, इस वाले रीजन को नेक कहा जाता है। तो कौन कौन सा स्ट्रक्चर? हेड हो गया, मिडिल पीस हो गया, नेक हो गया और टेल हो गया। हेड में क्या है? स्पर्म हेड कंटेन्स एन इलोंगेटेड हैप्लोइड न्यूक्लियस, वो आपके सामने है। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच कवर्ड बाई अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। न्यूक्लियस का ऊपर वाला हिस्सा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है, जिसे एक्रोसोम बोलेंगे। एक्रोसोम फिल्ड विद लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम किसको बोलते हैं? जो ब्रेक करता हो, जो क्या करता हो? ब्रेक करता हो। लाइटिक एंजाइम कॉल्ड स्पर्म लाइसिन, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन। और जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के पास जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ओवम के ऊपर भी कई कवरिंग्स होती हैं, कई लेयर्स की कवरिंग्स होती है, वो अभी हम ओवम के केस में बात करेंगे। उस लेयर्स को ब्रेक करने के लिए ये एंजाइम्स मदद करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प हुआ, जब तक ओवम के ऊपर के वो लेयर्स नहीं ब्रेक होंगे तब तक इनका दोनों गैमीट, जो दोनों गैमीट का न्यूक्लियस है वो फ्यूज नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है कौन सा? स्पर्म लाइसिन, विच इज प्रेजेंट इन एक्रोसोम। रीजन जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट कंटेन्स अ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, बेसल बॉडी। नेक वाले रीजन पे भी सेंट्रियोल्स होते हैं। यहाँ देखो, ये एक वाइट साइज स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये दैट इज द सेंट्रियोल, बेसल बॉडी। बेसल बॉडी की अगर याद हो तो ब्लीफेरोप्लास्ट याद है, है ना? वो बेसल बॉडी से दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट बेसल बॉडी। उसके बाद एक सिलेंडर सा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ऐसे पूरे टेल से होते हुए जा रहा है ना? ये फाइबर्स का बंडल है, जो हमेशा कहां से ओरिजिनेट होगा? बेसल बॉडी। 9+2 कहां से ओरिजिनेट होता था? बेसल बॉडी से। फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो बेसल बॉडी इधर नेक वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। एंड एन एक्सियल फिलामेंट बिगिन जस्ट बिहाइंड डिस्टल सेंट्रियोल, पासेस थ्रू द मिडिल पीस एंड एक्सटेंड इन टू द टेल। मिडिल पीस से होते हुए पूरे टेल में ये आपका एक्सियल फिलामेंट जाता है। ठीक है, ये नेक की बात हो गई। नेक के लिए आपसे यही बार पूछा जाता है कि नेक के पास ये दोनों सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल एक्चुअली बेसल बॉडी का प्रेजेंस आपसे बहुत बार पूछा जाता है। या दूसरा सवाल बनता है कि एक्सियल फिलामेंट की ओरिजिन कहां से होती है स्पर्म में, तो नेक रीजन याद रखना। उसके बाद मिडिल पीस की बात कर लें,
तो मिडिल पीस को हम एनर्जी चैम्बर भी कहेंगे, ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी चैम्बर, क्योंकि इसमें जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होता है उस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरली, स्पाइरल तो समझ रहे, स्पाइरली मैक्सिमम अकोमोडेशन। आप इस लेंथ को सीधा रख दो कर दो तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, स्पाइरल कर दिया तो एकोमोडेशन बढ़ जाता है, ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है स्पाइरल अरेंजमेंट जो है, देखोगे तो अगर आपको ध्यान से तो ऐसे स्पाइरल अरेंजमेंट ये दिख रहा है, तो ये इस माइटोकॉन्ड्रिया का एक सीथ जैसा स्ट्रक्चर काम करता है और इसी को बोला जाता है नेबनकर्न सीथ। और ये सवाल बन चुका है, नेबनकर्न सीथ क्या है? इट इज अ सीथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटैलिटी एसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म मोटाइल नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा, कि सीमन कहाँ रिलीज करा जाता है? सर्विक्स वाले रीजन पर, सर्विक्स के पास, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुला पे। या कुछ पिक्चर बन रहा है? तो वो पूरा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए एक मोटेलिटी तो चाहिए। रिंग सेंट्रियोल, ये इसका फंक्शन पता नहीं है अभी तक। ये जो यहाँ पे आपका सेंट्रियोल का एक रिंग यहाँ इसके बेस पर प्रेजेंट होता है, इसका फंक्शन नहीं है, प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द मिडिल पीस, बट याद रखना है कि प्रेजेंट है, बट इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता कि इसका रोल क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। का स्टेटमेंट लिख लो बस, ये अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लॉन्गेस्ट पार्ट है, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ये बात आपको पता है, एंड डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट एट द नेक एंड एक्ट एज बेसल बॉडी एंड प्रोड्यूसेस एक्सोनियम, ये आपको पहले हमने डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट आपका प्रीवियस है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है।